प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एम्बर अस्पताल में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ताजा मामला महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ का है। दरअसल अस्पताल में एक महिला मरीज डायलिसिस कराने के लिए आई थी, लेकिन यहां जांच के दौरान अस्पताल के ही कर्मचारी ने महिला मरीज के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया है। हालांकि अब तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन पूरा मामला अस्पताल अधीक्षक संज्ञान में है। अस्पताल के प्रबंधन के मुताबिक छेड़छाड़ से जुड़ी शिकायत मिली है, लेकिन इस घटना को अस्पताल की नहीं बल्कि बाद ही व्यक्ति ने अंजाम दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। महिला मरीज के परिजनों ने मौखिक शिकायत की है। लिखित में आवेदन मिलने पर पुलिस में भी मामला दर्ज कराया जाएगा। घटनाक्रम सामने आया, घटनाक्रम सामने आया है, आपने कुछ जांच भी की उसमें? नहीं, हमने तथ्य निकलवा रहे हैं। हमने जो इंचार्ज सिस्टर हैं उस तीनों वार्ड की, उनसे हमने लिखित में मांगा है और लिखित में अभी आ रहा है। लिखित में जैसे ही आएगा हम उसको तत्काल पुलिस को सूचना दे रहे हैं। और चूँकि अगर कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो इसमें पुलिस को FIR होना चाहिए और जाँच होना चाहिए, और हम अपने स्तर पर भी जाँच समिति बना के इसकी जाँच करेंगे। लेकिन पहले प्राथमिक तौर पर इसमें पुलिस को सूचना हम करवा रहे हैं, जिससे कि पुलिस अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर सके। अभी क्या क्या घटनाक्रम है वो पुलिस जो बयान हो जाएंगे उसके बाद ही सामने आएगा। वो कहाँ की है महिला? ये महिला कहाँ की है ये अभी मैंने जानकारी अभी लिखित में आ रहा है तो मैं उसके बाद निकाल रहा हूँ उसको। लेकिन मेरा ये है कि जो भर्ती है मरीज है तो डायलिसिस की मरीज है, तो उसके साथ एक बेटा है 14 साल का, तो उसके जो भी है उसके लिए हम उसको पूरा लिखित में लेके उसको हम पुलिस को दे रहे हैं, और पुलिस के बयान में जो भी आएगा उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आपकी तरफ से कोई आपको सूचना दी थी कि ऐसी घटना? मेरे पास अभी कोई भी सूचना नहीं आई है। नर्सिंग स्टाफ को या किसी? नहीं, उन्होंने किसको सूचना दी है मैं पूरा निकलवा रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा है कि एक तो सबसे पहले ऐसा कोई भी घटना होती है तो उसकी सूचना पहले पुलिस को जानी चाहिए। मेरे पास जैसी सूचना आई है कि मौखिक रूप से बताया है लोगों ने, तो हमने तत्काल मैंने उसको सबको बुला के मैंने पूछ लिया है और सबसे बोला है कि लेकिन अपना बयान दीजिए। घटना की पुष्टि हुई? नहीं, घटना क्या है वो मैं उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ अभी। क्यों क्या है कि जब तक कि पुलिस में बयान नहीं हो जाते हैं उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है, मेडिको लीगल मामला है, कानून का मामला है, तो इसमें पुलिस की जो FIR होगी उसके बाद ही हम उसके बारे में टिप्पणी कर पाएंगे। और रही बात हमारे उसकी संस्थान की, तो उसके हिसाब से हम एक जांच कमेटी बना के उसकी जांच करवाएंगे। लिखित में आ रही है जानकारी, जैसे आ जाएगी हम तत्काल भिजवा रहे हैं। बाकी सूचना हम दे चुके हैं थाने को, हम सिर्फ लिखित में जानकारी देके उसको हम तत्काल भिजवा रहे हैं। घटना स्थल कहाँ का, कौन सी मंजिल का है? ये 5 मंजिल का है और उसमें हम जो भी है उसको हम उसमें हम स्पष्ट कार्रवाई करेंगे। लिखित में मेरे पास कोई सूचना नहीं आई अभी, जैसी आ जाएगी कि घटना क्या है उसके बारे में विस्तार से उसके बाद में आपको बताऊंगा। महिला नहीं, क्या घटना है अभी कोई भी सूचना नहीं मेरे पास, लेकिन वो एक मौखिक सूचना आई कि सर ऐसा कुछ महिला के साथ कुछ ऐसा कोई दुर्व्यवहार वाली घटना है, तो क्या हुआ है जब तक कि पूरा स्पष्ट नहीं आ जाता है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पुलिस को बयान हो जान दीजिए, उसके बाद पुलिस के बयान के आधार पर जो भी आएगा सामने उसके हिसाब से हम सब कार्रवाई करेंगे, और साथ में जो संबंधित कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और इसमें जांच समिति बनाई जाएगी। सूचना तो यह है कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। देखिए ऐसा है कि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता हूं फिलहाल, क्योंकि जब तक कि पुलिस के बयान नहीं हो जाते। आपने पुलिस को सूचना दे दी? बिल्कुल, पुलिस को मौके सूचना हमने थाने को दे दी है, लिखित में भी सूचना भेज रहे हैं। सर ये जो शिकायत आई थी एम्प्लॉय के कर्मचारी के खिलाफ आई है, कोई एजेंसी का कर्मचारी?